हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, हम लोग जो है मौसी के यहाँ पर आ चुके हैं और आज जो है मेहंदी की रस्म है। कल जो है हल्दी की रस्म थी, तो थोड़ी सी देर के लिए मैं कल फिर आई थी, मुझे कुछ यहाँ पर काम था, लेकिन मैं आज आ गई हूँ प्रॉपर तरीके से। और जब तक शादी होगी तब तक रहूंगी, और बच्चे जो हैं वो कल आएंगे। मैं आरू सॉरी, इनके पापा आ गए हैं, मेरे भाई भाभी भी आ चुके हैं यहाँ पर ही। तो सब लोग अभी काफी बिजी हैं क्योंकि काम का टाइम है, और लग्न जो है यानी कि सेवा आज जा चुका है। और यहाँ पर देखिए, ये भी अभी 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 आए थे, भाभी भी और भाई भी, और मम्मी पापा जो है वो कल आएंगे शाम के टाइम ही। तो आपको मिलवाऊंगी अपने मम्मी पापा से भी, काफी दिन हो गए हैं मुझे भी पापा से मिले हुए। तो ये देखिए, ये अपनी गाड़ी लेकर आया था, जहाँ भी जाता है इसकी गाड़ी साथ में जाती है, लेकिन इसने दूध पी लिया है शीशी से। यहाँ पर आकर भी मैंने इसको एक शीशी दूध पिला दिया है, और जब ये सोएगा तब पी लेगा और खाना खाएगा। देखो इसकी गाड़ी यहाँ पर भी आ गई है इसके साथ में, क्योंकि इसका टाइम पास होता रहेगा इसके साथ में, नहीं तो फिर इसे एक फोन देना होता है। और इसे अपने घर रख के आता, लेकिन ये फिर यहीं पर आ गई हमारे बैग में। बताओ जी, क्या बात हुई गाड़ी की? बेटा ये आपके साथ रहती है आपकी गाड़ी, जिससे कि हाँ आप खेल सको, जहाँ भी आप जाओगे इससे खेल सको, है ना? और उसकी जैकेट कहाँ है? इसी और कपड़े वपड़े सब हम लोग जो है यहाँ पर मौसा जी ने रखवा दिए थे। वे बोल रहे थे कि आप सबका सामान जो है एक कमरे में ही सेट हो जाएगा। ऐसे ही एक रूम बराबर में है और एक रूम इसके बराबर में है। वैसे जैसे सर्दी का मौसम है और यहाँ पर मेहमान इकट्ठे हो रहे हैं, तो सबके लिए एक एक रूम है इस मकान में। तो ये पूरा मकान जो है गेस्ट के लिए है, और यहाँ पर अभी नया पेंट हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। गेट बंद है और लॉक लगाकर हम अपना सामान रख के लॉक भी लगा सकते हैं यहाँ पर। सब चीजों की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बस मैं मौसी की तरफ जाऊंगी, अभी भाभी थोड़ा सा रेडी होंगी, वो बोल रही हैं कि मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊं। और ये देखिए, इसके तो मजे आ गए। आरुषि की याद नहीं आ रही है भाई आपको? ना। नहीं आ रही है? आप कैसे भाई हो जो आरुषि की याद नहीं आ रही है? और आरुषि का फोन आ चुका है, बोल रही है पापा जी अभी आ जाओ आरुष को लेकर। लेकिन क्या करे, शादी तो अटेंड करनी पड़ेगी। देखिए थोड़ी सी जिम्मेदारियां होती है मायके वालों की भी, जो निभानी पड़ती है। और मौसी जी तो हमें पहले से ही बहुत ज्यादा मानती है। सर्दी के मौसम में देखिए बच्चों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आज उसको लेकर यहाँ पर आ गई हूँ, और यहाँ पर हमारा बिस्तर भी लग चुका है। ये देखिए भाई ने कंबल और गद्दा डाल दिया है यहाँ पर, सबके लिए बिस्तरे आ चुके हैं और चारपाई भी डली हुई है। मजे से सो, घर जैसी फीलिंग है, एकदम जैसे अपने घर पर सोते हैं। तो चलिए बस अभी खाना पीना खाएंगे, और उधर का दुल्हन से भी आपको मिलवाएंगे और उधर का व्यू दिखाते हैं आप सबको। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है मौसी के यहाँ पर शामली पहुँच चुके हैं, और आरुष आया है हमारे साथ में। आरुष ने जो है रात की पार्टी के लिए अपनी नींद भी पूरी कर ली है रास्ते और में। कड़ी चावल भी बन रहे हैं। और कड़ी चावल बन रहे हैं पीछे, ये रखे हैं देखिए, यहीं पर बैठे हैं हम, देख रहे हैं कौन खा रहा है। मौसा जी नमस्ते। नमस्ते। और मौसा जी जो है अभी अभी आए हैं मुजफ्फरनगर से। तो देखिए ये आरुष बैठा है एकदम शांत, क्योंकि जब ये किसी जगह पर आता है तो थोड़ी सी देर ऐसे शांति से बैठता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं मेहमानदारी में जब जाते हैं तो थोड़ी सी देर शर्माना पड़ता है, और हम यहाँ पर एक कोने में बैठे हैं। अभी आज मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं आप सबसे बात नहीं कर सकती, कृपया आप मुझे देख लिया। तो हम यहाँ बैठ करके अभी शर्मा रहे हैं, थोड़ी देर शर्माएंगे। और थोड़ी देर बाद फिर एंजॉय करेंगे, खाना पीना होगा उसके बाद। मैं कड़ी चावल बना रखे हैं सबके लिए। आ जाओ जी, सबकी दावत है आपकी, आज भी और कल भी और परसों भी, कई दिन तक है लगातार कड़ी चावल तैयार है। कड़ी चावल मैं भी दूँ आप सबके लिए, खाना बनवाया। और अभी हम जो है तेवा लगन जो आपको बताया था वो पहुँचा करके वापस लौट चुके हैं यहाँ पर, और सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। और ये पूजा करने के लिए जो है मौसी खाना लगा रही है। चलिए दिखाते हैं क्या क्या रीति रिवाज है हमारे, चलिए आप सबको दिखाते हैं, जितना भी हो सके दिखाएंगे जरूर। क्या बनता है? अच्छा देखिए, पहला जो गिफ्ट है ये फोन का, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कन्वर्सेशन का माध्यम। चलो खाना खिलाएंगे अभी। वार्तालाप जो है, वार्तालाप का सबसे मजबूत साधन ये पहले ही आ गया है और बहुत पसंद आया। और वो पहले वाला मुझे दे दिया, चल कोई बात नहीं, ठीक है
ये फोमा जी का आपने नहीं लाया वैसे। और मैं बता दूं, ये देखिए शाली साहिबा, शादी तो कल है, उससे एक दिन पहले आज मेहंदी सेरेमनी और थोड़ा सा नागिन डांस सेरेमनी। ठीक है, नागिन डांस करेंगे तो फिर बजाऊंगी। ठीक है, और मतलब खुशी बहुत हो रही है मुझे भी। देखिए मेरे मेहंदी लग चुकी है, आज मैं दोपहर से गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, और मेरे पीछे दीदी आ गई थी जब मैं मेहंदी लगवा रही थी पार्लर में, और मैंने आके ये देखा आजा भाई आजा, किसे ढूंढ रहा? जीजा जी ढूंढ रहा है, खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। जीजा जी को पता नहीं कहाँ से गए हैं, क्या मजे ले रहे हैं कहाँ। मजे अभी डीजे में नचाऊंगा, बहुत नचाऊंगा, खुद देखना अपना अभी। और इतने मोटे मोटे रसगुल्ले खा रखे, पूछो मत। आज तो नुया मस्त आज मनी सर के रसगुल्ले बहुत तोड़े। मतलब अपने नहीं खाने के, मनीष के तोड़ आए रह लग जाए एवरेज में। लगभग लगभग डेढ़ दिन का खा लिया वहां से, अपना तो खावांगे इधर। आज जी जी कल का डांस देखना, जी जी नाम बोलेगी और बांसुरी बजाओगी। बांसुरी क्या? बीन 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 बजाएगी और डांस जरूर देखना, और नागिन डांस। ये भी थोड़ा सा आपको जीजा साली का डांस, जीजा साली का डांस ठीक है। ठीक दीदी में तो अच्छा ही नहीं। और ये जो भी है प्री वेडिंग डांस और फोटोशूट, ये सब चीज जो है अभी होने वाली है। और ये छोटी छोटी सी यादें एक दूसरे के साथ में, ये पल बिताने, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। शादी से एक दिन पहले मैं भी मन भर के बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर मनीष कंट्रोल में कर देगा सब। जो है ये चीजें जो है पॉजिटिव वे में लीजिए, हम तो एक मजाक कर रहे हैं। कोई नहीं है, मजाक चल रही है हमारी थोड़ी सी। जीजा साली की और जीजा साली का रिश्ता जो होता है वो मजाक का ही तो होता है। हाँ। बाकी सारे रिश्ते हैं मान सम्मान के, तो लेकिन थोड़ा सा मजाक का ही बनता है हमारे यहाँ तो। आप पता नहीं क्या सोच बोलते हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर में जो है, चलिए छोटे वाली बहन से मिलवाते हैं आपको। ये बहुत ज्यादा बिजी है इस टाइम, कोई नहीं फिर मिलेंगे थोड़ी देर में अभी। आजा आजा। ये देखिए आखिरकार बुलाई लिया। और ये देखिए प्रियम से छोटी वर्षा, लंबाई में बड़ी, लंबाई में ये बड़ी है। देखिए कितनी भी शादियां मैंने आपको दिखाई है आज तक, वन ऑफ दी फेवरेट ये है। और ये जो है सबसे फेवरेट है, ये थोड़ी सी चिढ़ रही है, मुझे पता था इससे चिढ़ होगी थोड़ी सी, लेकिन वो मनीष की हो चुकी है। इसलिए मैं बता रहा था। तो चलिए आगे की प्रक्रिया, थोड़ा सा नागिन डांस, थोड़ा सा बीन डांस और थोड़ा सा लोड कोट भगड़ा सब मिक्स दिखाने वाले हैं आज हम आपको, तो उसके लिए करिए थोड़ा सा एंजॉय। सीधी तरफ दौड़ी से सोन को लाल है, ऊपरली तरफ ते I'm not afraid to die.
तो देखिए पहले जो है मेहंदी मैंने भाभी को लगाई थी और फिर जो है मैं अभी मौसी को मेहंदी लगा रही हूँ। ये भी हमारी मौसी हैं, तो ये बैठी थी बहुत देर से कीप लेकर। लड़कियाँ जो हैं और भी किसी को मेहंदी लगा रही हैं, कई सारी लड़कियाँ बैठी हैं यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए, तो सब लगवा रहे हैं। तो मैंने कहा मौसी लाओ मैं आपके मेहंदी लगा देती हूँ जैसी भी आती है मुझसे। तो फिर ये कहने लगी थी कि हाँ चल लगा दे, ये बेल सी बना दे बस मेरे हाथ पर। तो मुझे ज़्यादा भरवा मेहंदी नहीं लगवानी है क्योंकि काम वाम भी करने पड़ते हैं। और खाना जो है सबने खा लिया है, अभी जो है गीत भी गाए गए हैं और थोड़ी देर के लिए जो है थोड़ा सा डीजे भी हुआ था, डीजे डांस, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं हुआ क्योंकि हाउल्ला उसमें शोर शराबा बिल्कुल ज़्यादा ठीक नहीं है इस टाइम। तो फिर हम लोगों ने जो है वो बंद करवा दिया था और ढोलक पर ही यहाँ पर गीत बज रहे थे जिससे डांस हो रहा था, डांस कर रही थी महिलाएं भी। तो अभी फिर जो है मैं मेहंदी लगाने के लिए अंदर आ गई थी रूम में, तो फिर मैं भी लगवाऊंगी एक हाथ पे। और ये आरुष बोला है बार बार मम्मी मुझे घर जाना है, क्योंकि इसे आरुषि की अभी याद आ रही है। जब तो ये बोल रहा था मुझे आरुषि की याद नहीं आ रही है, लेकिन इस टाइम इसे आती है। ये ज़्यादा देर तक एक दूसरे के बिना नहीं रहती है बिल्कुल भी। और ये इसने खाना खा लिया है और दूध भी इसे मैंने एक बार पिला दिया था, और जब ये सोएगा तब इसे एक बार और दे दूँगी। तो बस अभी मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी, बस फिर मैं अपने हाथों पे लगवाऊंगी। और आपको मैंने अपनी पूरी फैमिली से मिलवा दिया है यहाँ पर। तो बस यही था आज का वीडियो मेरा, कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।